गुड मॉर्निंग प्लस वन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी, दैट मीन्स पीरियडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ दिस थिंग कि पीरियडिक टेबल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यू आर हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर इन 9th स्टैंडर्ड। सो मोर देन 100 एलिमेंट्स और यू कैन से 114 अप्रॉक्स एलिमेंट्स जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं। अगर हम हर एक की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी स्टडी करने की कोशिश करें तो इट्स वेरी टफ जॉब। सो पीरियडिक टेबल क्या है? पीरियडिक टेबल इज अ टेबल विच क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टूगेदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब है कि अगर हमने ऐसे उनको अरेंज किया कि रेगुलर ग्रेडेशन में अपने आप ही उनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम वर्टिकल कॉलम में सेम हो गई और डिससिमिलर एलिमेंट जो होते हैं वो उनसे सेपरेट हो गए। लेकिन जो आज का पीरियडिक टेबल है वो इतनी जल्दी इन्वेंट नहीं हुआ, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? द फर्स्ट ऑफ ऑल डुबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, डुबर्नियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने कैसे इसको क्लासीफाई करने का कोशिश किया। उसने उस टाइम पर जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम। उसने कहा कि जो मिडल वन का एटॉमिक मास है वो वी कैन इजीली कैलकुलेट अगर हम दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, आजू बाजू वाले का अरिथमेटिक मीन लें तो अपने आप ही सेंटर वाले का एटॉमिक मास निकल आएगा। लाइक इसका 7 है, इसका 39, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 46/2 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इस तरीके से उसको क्लासिफाई करने का कोशिश किया। नेक्स्ट वाज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव इट इज सिमिलर टू द म्यूजिकल नोट, जैसे सारे गामा पादा नीसा, तो सा इज अगेन द 8th नोट। उसने भी क्या किया कि सभी एलिमेंट्स को, लाइटर एलिमेंट्स जो थे उस टाइम पर इन्वेंट, उसने उसको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली अरेंज किया और उसने ये देखा कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट की, लाइक लिथियम ब्रिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन, और उसके बाद जो सोडियम था, सोडियम और लिथियम फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। तो दिस वाज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू लोदरमायर अरेंजमेंट। लोदरमायर अरेंजमेंट इसमें क्या था कि उसने एटॉमिक वॉल्यूम्स को प्लॉट किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। जब उसे ग्राफ प्लॉट किया तो उसने क्या देखा कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे तो वो सारे सेम पोजीशन पर आए, लाइक जितने भी अल्कली मेटल है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम वो सारे पीक्स पर आ गए, ऐसे हैलोजन्स जो है वो सारे डेप्थ पर मतलब वैलीज में आ गए। तो उसने कहा कि सिमिलर एलिमेंट जो होते हैं सिमिलर ग्रुप में रखने हैं वो सारे एक ही पोजीशन पर आएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश की। देन देयर वाज मेंडेलीव, मेंडेलीव पीरियडिक लॉ। उसने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उसने इनको अरेंज किया। तो उसने क्या किया था तो इसकी हमें थोड़ी बहुत ही नॉलेज चाहिए, लेकिन जो आज की डेट पर पीरियडिक टेबल है दैट इज बोहर्स, तो उसका हमें डिटेल्ड वर्जन चाहिए। लेकिन उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पर उसने 9 वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिए उसको, जिसको कि हम ग्रुप्स कहते हैं, और उनको डेजिग्नेट कर दिया रोमन न्यूमरल जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसे क्या एक्सेप्ट 0 and 8 ग्रुप, उसे बाकी सभी ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया A and B। सिर्फ जो 8th ग्रुप का एलिमेंट्स थे उसने 9 एलिमेंट्स को बोल दिया कि 3-3 सेट्स में अरेंज कर दिया उसको। तो इसका मतलब 3 ट्रायड्स में ना उसका कोई A and B सब ग्रुप बनाए, लाइक दिस। और उस टाइम पर 6 हॉरिजेंटल रोज और पीरियड्स इन्वेंट किए गए। ये मेंडेलीव पीरियडिक टेबल था जो कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज किया गया। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडेलीव पीरियडिक टेबल? उसने अरेंज करने की, उसने सबसे पहले टाइम सिस्टमेटिक स्टडी को स्टार्ट किया, उससे पहले तो कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, लेकिन
उसने पहली बार सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की एलिमेंट्स को. नेक्स्ट वाज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, लेकिन जब उसने अरेंज किया उस टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने बीच में कुछ एक गैप्स क्रिएट कर दिए. और जैसे उसने मतलब जो सिलिकन और एल्यूमिनियम उसके करीब वाला जो एलिमेंट उस टाइम पर इन्वेंट नहीं था, तो वो बाद में इन्वेंट हुए, लेकिन उसने एक गैप क्रिएट कर दी और उसका नेम कर दिया इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकन. लेटर ऑन गैलियम और जर्मेनियम जब इन्वेंट हुए तो उसको उसकी जगह पर अरेंज कर दिया गया. तो इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकन मीन्स एक ही तरह का, एल्यूमिनियम की तरह का और सिलिकन की तरह का एलिमेंट जो है वो पहले ही गैप क्रिएट थे, तो उसमें सेटअप हो गए और सारे एलिमेंट्स को हैफजर्डली दोबारा से रीअरेंज नहीं करना पड़ा. नेक्स्ट जो उसने मतलब उसका सिग्निफिकेंस है, दैट इज द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट. जैसे ब्रिलियम, ब्रिलियम का फर्स्ट एटॉमिक वेट जो है असाइन किया गया 13.5, तो 13.5 में उसने जो उसका इक्विवेलेंट वेट था वो 4.5 था, उसकी वैलेंसी 3 से मल्टीप्लाई करके वो 13.5 बना. लेकिन देखा किया तो वहां पर कोई गैप ही नहीं था और कोई स्पेस ही नहीं था उसको अरेंज करने के लिए, तो बाद में देखा गया कि उसकी वैलेंसी ही गलत असाइन हुई थी. वैलेंसी जो है इट वाज 2, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका एटॉमिक मास जो है वो रेक्टिफाई किया गया, दैट कम्स आउट बी 9. सो इस तरीके से उसने करेक्शन किया डाउटफुल एटॉमिक वेट्स का. तो कमिंग टू द लास्ट, दैट इज द डिफेक्ट्स. तो डिफेक्ट्स क्या थे मेंडेलीव पेरिओडिसिटी के? सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की अनोमलस पोजीशन, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में अरेंज किया गया, फर्स्ट एलिमेंट, जबकि उसकी पोजीशन कंट्रावर्शियल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैलोजन से मिलता था. एंड सेकेंड वाज अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स. कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था और उनको पहले अरेंज किया गया था, जबकि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट हो तो पहले कम वाला आना चाहिए और उसके बाद ज्यादा वाला आना चाहिए, लाइक आर्गन एंड पोटेशियम. पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, अगर उसने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज किया तो हाइड्रोजन के 3-3 आइसोटॉप्स हैं, तो उनको 3 सेपरेट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जबकि ऐसे नहीं मिली. नेक्स्ट डिसिमिलर एलिमेंट्स. कुछ एक डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जो कि सेम ग्रुप में प्लेस किए गए, जबकि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया. देन पोजीशन ऑफ ग्रुप 8, उसे कहा कि उनको ए और बी सब ग्रुप्स में क्यों नहीं डिवाइड किया गया, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव पेरिओडिसिटी. रेस्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.